बताओ कहां तक करवाया? आरसी परिपत्र कंप्लीट हो गया अपनो अनुनादी? एक बार दिखा दो मुझे क्या सिस्टम है। आरसी मतलब आरसी परिपत्र में कला रेख हो गयो, फेजरा रेख हो गया, फेजरा रेख कलर एक फेजरा एक, उसके बाद में प्रतिवादा, प्रतिवादा भी होगी, नदियावर्ती कटे नदी पर ऊपरी आर एल परिपत भी है, आर एल सी परिपत भी है। अनुनादी से पहले आर एल परिपत है और आर सी परिपत है, आर एल परिपत अपन हो गए होगी, आर एल परिपत है आर चाहिए खाली, यहाँ आर एल और करो तो थाने 11, 12, 13, 14, 15 ये ऑनलाइन करवा दिया नहीं, 15 करवा दो 12 को हमारे का तो ग्रेड है 15 रुपया तो ग्रेड है। तो अभी थे कह रहे हम दोबारा कराओ एक मिनट, तो बेच का टीचर पूरा हाँ बे, अगर दोबारा उरा होता तो थारा चैप्टर दोबारा होता कि कभी को नहीं होता नहीं, फिर रहो दो मिनट थे सोच के देखो, अगर बे टीचर उरा होता तो ये चैप्टर दोबारा कभी को नहीं होता, ऐसे पढ़ता नहीं तो भी टाइम कहाँ पढ़ता भाई, अब पढ़ लियो क्या दिक्कत है बताओ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर वो चैप्टर तो दोबारा कराना ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं वो दोबारा करवा दे। अब जहाँ चैप्टर में 13 है 14 है 15 है ये चैप्टर ने एकदम इजी है, आंका वीडियो बांका भी पड़े है, आंका वीडियो मेरा भी पड़े ऑनलाइन तो आराम से देख सको। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ गई कोई इलाज को नहीं को तो इधर आप दोबारा कर लीजिए, क्या दिक्कत है ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है कि फिजिक्स सेकंड है ना, भी ज़्यादा फोकस दो, फिजिक्स सेकंड बड़ा नंबर आएंगी है, फर्स्ट थोड़ा नंबर आएंगी ठीक है ना। आर एल परिपथ ये हो गया आपका आर, ये हो गया एल, आर एल या प्रतिरोध या प्रेरकत्व के शिरो के श्रेणीक्रम संयोजन के शिरो के मध्य यदि कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत संयोजित कर दिया जाए तो इसे आर एल परिपथ कहते हैं ठीक है। विजुअल टू विनोट साइन ओमेगा टी ये हो गया इसका तात्क्षणिक वोल्टता, इसके ऊपर वोल्टता वी जीरो आर, इसके ऊपर वी जीरो एल, करंट चल रहा है इसमें आई ठीक है। अब देखो आर जो है आर, आर पर वोल्टता क्या है, वोल्ट है V0 R इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो V0 R इक्वल टू IR या I0 R। L पर वोल्ट था, L पर वोल्ट है V0, L इक्वल टू I0 R, तो L के लिए R क्या होता है अक्स L, V इक्वल टू IR तो V0 L इक्वल टू I0 अक्स L ठीक है। अक्स L यहां पे क्या है प्रेरणिक प्रतिघात, और अक्ष ही होता तो क्या होता दारित्य प्रतिघात ठीक है। अब देखो कुल वोल्टता कितनी हो गई, V इक्वल टू V0 R प्लस V0 L, इसको मैं लिख सकता हूं एक साथ V0 R L। V का मान क्या है V0 साइन ओमेगा T, तो V0 R L का मान क्या हो जाएगा V0 साइन ओमेगा ठीक है। अब क्या करेंगे प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे ठीक है ना, पहले ज्ञात करांगा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के बाद में आपको कला आरेख बनाना है, उसके बाद में फेजर आरेख, फिर औसत शक्ति, फिर थीटा का मान ज्ञात करना होता है इसमें आरएल और आरसी में कला अंतर
थीटा का मान आरसी में अपन ने ज्ञात नहीं किया था, आरएल में ज्ञात कर लेंगे थीटा का मान। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सदिश निरूपण। ठीक है, तो एल के अंदर धारा है वो होती है पीछे, इसका मतलब वोल्टता आगे होती है, मतलब वी जीरो आर और वी जीरो एल में एल होगी आगे, वी जीरो एल होगी आगे। सी में क्या होता है, वी जीरो सी नीचे, इसमें वी जीरो एल ऊपर। ये हो गया आपका वी जीरो एल वाई एक्स पे, एक्स एक्स पे हो जाएगा आपका वी जीरो आर। ठीक है, और इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इसका सदिश निरूपण करते हैं, परिणामी हो जाएगा वी जीरो आर एल, ये कौन हो गया थीटा, ये भुजा वी जीरो एल है तो ये भी वी जीरो एल आएगी, और ये वी जीरो आर है तो। ठीक है, त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज ओ बी सी या उपलो त्रिभुज भी कम इसका वहां। ठीक है, इसमें कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण क्या है वी जीरो आर एल इज इक्वल टू आधार वी जीरो आर प्लस वी जीरो अंडर रूट वी जीरो आर का मान आई जीरो आर और वी जीरो एल का आई जीरो एक्सएल, तो आई जीरो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्यों आई जीरो कॉमन ले लिया, इसका अंडर रूट या वी जीरो आर एल इक्वल टू आई जीरो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या बन जाएगी इसकी प्रतिबाधा जेड। ठीक है, तो वी जीरो आर एल इक्वल टू आई जीरो जेड। ठीक है, जहां जेड क्या है, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब इको मान रखो थे तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल, तो आर का मान सॉरी जेड का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया आपका जेड। ठीक है, तो पल्ली चोट प्रश्न वही आओगे, किसी प्रतिरोध व प्रेरकत्व व एल के श्रेणीक्रम संयोजन के शिरों के मध्य V इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी मान का कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत संयोजित किया गया है, ज्ञात कीजिए एक नंबर इसकी प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये पूरा मैटर लिख के आपको यहाँ तक ज्ञात करना है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या एक्स एल स्क्वायर, ये हो गई इसकी प्रतिबाधा। दो नंबर इसका कला आरेख, तीन नंबर फेजर आरेख, चार नंबर वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर, मतलब या मतलब परिपथ का कलांतर, उसके बाद में इसकी शक्ति। ठीक है, तो आर एल आर सी है, इनमें शक्ति का व्यंजक प्राप्त आप नहीं कर सकते, आर एल और आर सी परिपथ है ना, अंग व्यंजक शक्ति अनुपात जल्दी सी निकल गो नहीं आपनों, शक्ति खाली आर एल और सी की अलग अलग ही होती है, औसत शक्ति, शक्ति सिर्फ आर में होगी, आर इज इक्वल टू मतलब पी इज इक्वल टू वी आई या पी इज इक्वल टू पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, सी के अंदर एल के अंदर कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, चलो ये होगी इसकी प्रतिबाधा। अब ज्ञात करेंगे इसका कला आरेख। ठीक है, तो देखो एल के अंदर धारा होती पीछे और वोल्टता आगे, तो धारा का जो समीकरण आएगा वोल्टता का वो तो आपका हो जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी, और धारा का आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस वाई बाई टू। ठीक है ना, यहां पे क्या जाएगा माइनस थीटा, थीटा का मतलब जीरो से पाई बाई टू तक ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आर भी है, आर में कलांतर होता है जीरो और एल में पाई बाई टू, तो ये जीरो से पाई बाई टू तक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में आपको बनाना है कला आरेख। कला आरेख बनेगा आर एल है तो एल वाला, आर एल है तो एल का कला आरेख बनेगा। ये हो गया वी पाई बाई टू, टू पाई और पाई। ठीक है, माइनस है तो नीचे और जीरो और पाई बाई टी के बीच, पाई बाई टू के बीच में है, थोड़ा सा करने के लिए आगे
मतलब कला रेखा मतलब है कि आपको सिर्फ दिशा दिखानी है कि भाई यहाँ दिशा है या नहीं है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये कितना हो गया पच थीटा, ठीक है, और आगलो मानो तो आगलो मान लो थीटा, यही की बात है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये आरेख बना के सिर्फ दिशा दिखानी है, ठीक है, कि इसकी दिशा क्या है क्या नहीं है, बाकी कोई मतलब नहीं इसका। और ये थीटा यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो इसके कोई नंबर नहीं है, ठीक है, सिर्फ दिशा दिखानी है। ऊपर वाली ग्राफ है ये तो हो गई आपकी वी की, नीचे वाली हो गई आई की। कल आरेख वही तो आरेख मायने, ठीक है। अब फेजर आरेख, ठीक है, फेजर आरेख में क्या करोगे आप, सिर्फ वी आर और आई, वी आर और वी एल के बीच में फेजर आरेख बनेगा इसका, ठीक है। अब देखो आपका जो आरसी परिपथ था, आरसी परिपथ में ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स परिणामी वी जीरो आर सी कोण ओमेगा टी, ऊपर ना आर, देखो आर सी में ऊपर होने, यहां कौन कितना थीटा, और सी नीचे था, क्यों, क्योंकि सी में धारा आगे होती है लेकिन वोल्टता पीछे होती है, इसलिए वोल्टता पीछे हो जाएगी। ये आपका वी जीरो सी था, ठीक है। अब वी जीरो एल क्या हो जाएगा ऊपर। अब आर एल परिपथ है, आर एल परिपथ, इसमें वी जीरो आर एल ओमेगा टी, वी जीरो आर का आएगा नीचे, और वी जीरो सी नीचे की ओर है, तो एल क्या हो जाएगा ऊपर, क्योंकि वोल्टेज आगे होता है वी जीरो एल। ये हो गया आपका फेजर आरेख, ठीक है ना। ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी ये आपको दिखाना जरूरी है, बाकी थीटा और पाई बाई टू दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओमेगा टू जो है वो दिखाना जरूरी है, बाकी ओमेगा टी दिखाना जरूरी है, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अब इसमें ज्ञात करते हैं कलांतर, कलांतर का मान कितना आएगा। तो देखो सदिश निरूपण था अपने पास, ये वी जीरो आर एल ये कोण थीटा, ये वी जीरो एल ये वी जीरो आर, त्रिभुज बनाए वापा, इसके अंदर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब क्या है आधार वी जीरो आर, ठीक है। वी जीरो एल का मान आई जीरो एक्स एल आई जीरो आर, अच्छा आर सी में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स सी, सीधी सी बात है, आई जीरो कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, या टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चार चीजें ज्ञात करनी होती है इसमें, आर एल आर सी आर एल सी, इनमें आपको चार चीजें ज्ञात करनी होती है। फर्स्ट तो आपको ज्ञात करना पड़ता है जेड का मान, सेकंड कला आरेख, थर्ड आपको ज्ञात करना पड़ता है इसमें फेजर आरेख, फिर वोल्टता धारा के मध्य कलांतर, और भी एक स्टेप नीचे प्रतिबाधा का निरूपण है, प्रतिबाधा का निरूपण है मतलब आपको ग्राफ खींचनी है ऊपर या नीचे, ठीक है ना। प्रतिबाधा का निरूपण मतलब एक्स एल और आर के अंदर आपको ग्राफ खींचनी है। प्रतिबाधा का निरूपण जो है वो एग्जाम में नहीं आता और आपके सिलेबस में भी नहीं है प्रतिबाधा का निरूपण। ये एक्स एल ये क्या हो गया आपका आर, ये होगी प्रतिबाधा जेड, बीच में जाएगी परिणामी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अगर इस तरीके से करें तो ये करंट स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो इससे जेड का मान यही आएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, समझ गया ना बात। हाँ शक्ति इसमें है नहीं, है ना, शक्ति आर एल आर सी में शक्ति ज्ञात नहीं की जाती, औसत शक्ति ज्ञात नहीं की जाती। अब इसके बाद में है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एल सी सर्किट परिपथ, सर्किट आर एल सी, आर एल सी या एल सी आर, जेड गुमान दिखाओ, देखो आर एल सी परिपथ था, है ना, ये आर एल सी परिपथ है एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर एल सी परिपथ या एल सी आर परिपथ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C तीनों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है और उसके श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के मध्य आपने कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत संयोजित कर दिया, V इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। आर है इसके सिरों पर वोल्टता है V जीरो आर, V जीरो एल, V जीरो सी, धारा चल रही है आई, कुल वोल्टता कितनी हो गई, क्यों V इक्वल टू V जीरो आर एल सी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, V0 RLC के बराबर V है, इसका मतलब V0 RLC का मान क्या हो जाएगा, V0 sin omega t। ये बिना नंबर की बात है, इसकी बात में लिखा रहे अंग अपरिचय का माइन कोई नंबर को नहीं, लेकिन ये लिखने जरूरी है, ठीक है। अंग का नंबर अगलो काट ले लेकिन धंधे को नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में RLC परिपथ है, ठीक है, इसकी तीन स्थितियां आएगी। प्रथम स्थिति जो है वो आएगी एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी मतलब प्रेरणिक प्रतिघात धारित्य प्रतिघात से ज्यादा हो, एल का मान ज्यादा है लेकिन सी का मान कम है, इसका मतलब इस स्थिति में आपका जो परिपथ है वो आर एल परिपथ बन जाता है। इस स्थिति में आपका जो परिपथ है वो आर एल परिपथ बन जाता है, मतलब कला रेख आर एल वाला, फिजरा रेख आर एल वाला, ठीक है, और उसके बाद में प्रतिबाधा भी आर एल वाली, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से होता है। सेकंड जो कंडीशन है वो हो जाएगी एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, सी का मान एल से ज्यादा हो, अब ये परिपथ बन गया आर सी परिपथ। अब ये आर सी परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, एल का मान कम है, एक्स एल का मान जीरो नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। थर्ड जो है ये हो जाएगा एक्स एल बराबर एक्स सी, इस स्थिति में ये आर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, और इसी का नाम होता है अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति रिजोनेंस बोलते हैं इसको, कि जब प्रेरणिक आर एल सी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारित्य प्रतिघात के बराबर हो जाए तो इसे आर एल सी परिपथ या एल सी आर परिपथ की अनुनाद की स्थिति कहते हैं या अनुनादी स्थिति कहते हैं, ठीक है। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है तीसरी, ठीक है। अच्छा एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया, इसका मतलब आर जो है एक्सएल बराबर एक्सएल बराबर एक्स सी हो गया, इसका मतलब ये परिपथ क्या बन गया,
आर परिपथ मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन गया। तो इस स्थिति में अनुनादी मतलब आरएलसी परिपथ है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। तो कला रेख आर वाला, फेजरा रेख आर वाला, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, आर वाला मतलब इसमें जो आई है उसका यहाँ मतलब नहीं है कोई, ठीक है भाई, इसमें कोई कलांतर होता ही नहीं है, आई का मतलब नहीं है इसमें कोई मतलब, ठीक है ना। इसमें जो फेजरा रेख आएगा वो आएगा वोल्टताओं के बीच में, इसमें भी वोल्टताओं के बीच में और इसमें भी वोल्टताओं के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। कुछ से डिफरेंस तो मामूली डिफरेंस हो तो भाई को सेम टू सेम विषय थोड़ी हो, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन है इसकी एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारिता प्रतिघात से अधिक हो, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका आर एल परिपथ शुद्ध आर एल परिपथ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अच्छा तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए आप आर एल परिपथ की तरह ही इसका सदिश निरूपण करोगे। आर एल्गमाइन आई है बत हो पीछे और वी क्यों है आगे, तो आगे कर दो वी ने, वी को आगे करो, यहां पे रहेगा आपका वी जीरो आर और ये वी जीरो एल, ठीक है। लेकिन इसमें वी जीरो सी भी है, वी जीरो सी भी है, समस्या यह एक माइन मतलब वी जीरो सी इसमें जीरो नहीं है, वी जीरो सी का मान इसमें जीरो नहीं है, वी जीरो सी हमारा थोड़ सी है एक माइन, ये हो गया आपकी वी जीरो सी, यहां से यहां तक आपकी वी जीरो सी है नीचे, ठीक है। लेकिन प्रभावी क्या है वी जीरो एल, वी जीरो एल है इसमें, वी जीरो एल क्या इसमें प्रभावी, तो पूरा जो मान आप काम में लोगे वो लोगे वी जीरो एल का, कि वी जीरो एल इसमें प्रभावी वोल्टता है और वी जीरो सी क्या है निम्न वोल्टता, तो अब तो बेचारी थोड़ी सी पड़ी है माइनस में और वी जीरो एल की आ गई पूरी, तो कितनी बच गई माइन भी कम है, इसका मतलब कुछ तो बचेगी वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी, ये वोल्टता यहाँ पे शेष रहेगी खाली, ठीक है। तो इस स्थिति में निम्न प्रकार सदिश निरूपण करते हैं, परिणामी वोल्टता आर एल सी, ठीक है। अच्छा कोण क्या हो गया थीटा, ठीक है, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, मतलब अक्ष सी का मान कम है जीरो नहीं है, तो कम है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और पूरी वोल्टता जो रहेगी वो रहेगी वी जीरो एल, ज्यादा वी जीरो एल है कम है वी जीरो सी, तो जो बच गई वो वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो करंट स्क्वायर क्या है वी जीरो आर एल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार प्लस लंब का होल स्क्वायर। अच्छा वी आर इज इक्वल टू आई आर, तो आई जीरो आर का स्क्वायर प्लस आई जीरो एक्स एल माइनस आई जीरो एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वी जीरो आर एल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अंडर रूट लगेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बिल्कुल शानी बात तेरी, वो भी हटा जा और ही शानी कर दी, ठीक है। अब बैंकर शानी बात होगी, ठीक है। हाँ कॉमन है आई जीरो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, कॉमन ले इसका आप आई जीरो स्क्वायर मैंने गुणा कराना से वही पता होगा पूरा, ध्यान नहीं चीज को। हाँ तो आई जीरो स्क्वायर है उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा आई जीरो, और इसके गुणा में जो पद रहेगा वो रहेगा आर का, मतलब वी जीरो आर एल सी इज इक्वल टू आई जीरो आर, यहां पे जो आर है वो आपका क्या है प्रतिबाधा,
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। यह है आर एल सी परिपथ की प्रतिबाधा जब एक्स एल का मान एक्स सी से ज्यादा हो और एक्स सी का मान ज्यादा होगा तो इन पलट दो एक्स सी माइनस एक्स एल इन पलट दो वी जीरो सी माइनस वी जीरो एल। ठीक है चलो दूसरी चीज कला आरेख कलर एक ज्ञात करते हैं। कलर एक आरएल है तो आरएल वाला सेम कॉपी नो चेंज कलर एक में नो चेंज वी एल में धारा है वो लटक जाएगी नीचे से। ठीक है मान जगह पे थे लिखवो करियो। ठीक है फेजर आरेख आरएल वाला फेजर आरेख भी आरएल वाला सेम है मर्द स्पेशल है भाभी जी स्पेशल और कोई मास्टर का तो नहीं यही। इसका फेजर आरेख देखो वी जीरो आर एल सी आर एल परिपथ में वी जीरो आर नीचे होता है ऊपर नीचे होता है वी जीरो आर नीचे। ठीक है वी एल ऊपर होगा नीचे सी में धारा होती है प्लस में मतलब वोल्टता माइनस में नीचे तो एल में ऊपर होगा वोल्टता वी जीरो एल का बताओ वी जीरो एल एल में धारा है वो होती है माइनस में तो वोल्टेज क्या होगा प्लस में मतलब वोल्टेज आगे होगा तो यहाँ होगा वी जीरो एल। हाँ बताओ वी जीरो एल का फेजर आरेख है या नहीं है देख के बताओ एक बार मतलब आर एल परिपथ का नहीं लेकिन इसके अंदर प्रभावी वोल्टता क्या है वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी तो ये वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी बन जाएगा। अब ये वी जीरो एल नहीं रहेगा ये वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी बन जाएगा। ठीक है अब वो सी कह दे यार थोड़ा सा भी हाँ तो ये आ ले भाई तू ले ले ये क्या हो जाएगा वी जीरो सी। ठीक है जहां तक मुझे लगता है आर एल सी परिपथ में फर्स्ट कंडीशन है एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी उसका फेजर आरेख यही है। देखो ध्यान से वही है ना थीटा का मान ज्ञात करते हैं थीटा मतलब कलांतर क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी जीरो एल माइनस वी जीरो सी अपॉन मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर क्यों। हाँ अब इसके आगे देखो आर एल सी परिपथ में सेकंड कंडीशन क्या है एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल बिन देखो खोल के एक बार पता होगा खा जाएगी